तो आज हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल्स जो होते हैं ये कैलकुलस का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर हमें जो डेरिवेटिव होता है उस डेरिवेटिव का रिवर्स करने पर आपको इंटीग्रल मिल जाता है। लेकिन हम इसको और अच्छे से जानेंगे कि और ये क्या कर सकता है। तो जो इंटीग्रल होता है इट टेल अस, ये हमें बताता है हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग और गैदरिंग। ये बताता है कि कोई चीज़ कितने तेजी से या कितना एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है, ठीक है, या जमा हो रही है। एग्जाम्पल के लिए डाउनलोडिंग है मूवी और सॉन्ग। अगर कोई मूवी या कोई सॉन्ग आप डाउनलोड करते हो तो ऐसे डाउनलोड होता है कि पहले सेकंड में जैसे इतना डाटा भर जाता है, फिर दूसरे सेकंड में इतना डाटा, तीसरे सेकंड में इतना, ऐसे डाटा आपका भरता रहता है, जिसको हम इसे सेटेड एरिया से समझ सकते हैं। यानी हम डाटा एक्यूमुलेट करते हैं वो बराबर होता है एरिया इनक्लोज के, यानी जितना भी एरिया इनक्लोज किया गया है ये पूरा बंद एरिया जो है वो डाटा एक्यूमुलेट, कितना डाटा हमने इकट्ठा कर लिया है 3 सेकंड में वो दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे हमने छोटी क्लासों में भी बहुत सारे ग्राफ सीखे हैं। जैसे आपने यहाँ टाइम और स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि ये जो सीधी लाइन है और ये जो सीधी लाइन है, ये जो बंद एरिया है, ये बंद एरिया आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर आपका फोर्स है, तो x एक्सिस पे डिस्टेंस, y एक्सिस पे फोर्स है, और ये भी एक बंद एरिया है और ये आपका वर्क देता है, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, तो इंटीग्रल टेल अस एरिया इनक्लोज अंडर कर्व। तो इंटीग्रल जो होता है वो हमें ये बताता है कि इस कर्व के नीचे, मतलब इस कर्व के नीचे कितना एरिया इनक्लोज है। ठीक है, तो इसके पूरे एरिया को, जो शेडेड एरिया है, इस पूरे एरिया का टोटल जो होता है, टोटल करने का काम इंटीग्रल का है। ये पूरे इस एरिया का टोटल करके हमें इसकी पूरी जानकारी दे सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रल इसलिए बना है। हेयर ऑल केसेस सो फार एरिया इनक्लोज इन स्ट्रेट लाइन एंड हैंस इजी टू फाइंड। तो यहाँ पर हमने जितना भी एरिया देखा जो कि एक सीधी रेखा के नीचे ही थे, तो इनका एरिया निकालना आसान होता है, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता, बट रियलिटी इज डिफरेंट। लेकिन जो हमारे जीवन में होता है हमें ऐसे कभी मिलता ही नहीं है। जैसे आप कभी स्कूल जा रहे हो तो आपका टाइम और की स्पीड वो सेम नहीं होती, वो ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकती है। तो अब मान लो ऐसे कर्व बन गया, तो इसको हम ऐसे जनरलाइज करते हैं मैथमेटिक्स में कि हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे वेरिएबल x लिखते हैं। ठीक है, तो x जो है ये इंडिपेंडेंट है और ये आपका डिपेंडेंट है, सही है। तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू को हम x एक्सिस पे लिखते हैं और जो डिपेंडेंट होता है वो फंक्शन यहाँ लिखते हैं। तो अब इस कर्व के नीचे मान लो ये a और b इंटरवल है, इस इंटरवल के बीच में हम इसका एरिया इनक्लोज निकालना है, इसका टोटल एरिया निकालना चाहते हैं। तो व्हाट इज द एरिया अंडर कर्व, तो हम इस कर्व के नीचे का एरिया कैसे निकाले। तो वहाँ ऊपर तो अभी सीधे सीधे थे कर्व, तो वहाँ पे तो लेंथ इनटू ब्रेथ करने से एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाने से एरिया आ गया था, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एरिया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसका सही एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रिटेंड एरिया इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेट पीसेस। तो हम एक उपाय तो ये कर सकते हैं कि हम ऐसा जो कोई फंक्शन है या ग्राफ है या कर्व है, तो इस कर्व का जो अंडर द एरिया निकालना चाहते हैं, इस कर्व के नीचे का एरिया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे 2 टुकड़े कर सकते हैं और सीधे सीधे रेक्टेंगल काट सकते हैं। तो ऐसे आपको 2 एरिया मिल जाए, मतलब 2 भाग आपको मिल जाएगा और ये छोटा छोटा इंटरवल में बढ़ जाएगा। तो अगर हम टोटल एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 कर लें और प्लस शेडेड एरिया जो है ये 2, इसको भी निकाल के ऐड कर लें, तो इससे आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। तो हम इसका, इस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम इस फंक्शन को इस x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डेल्टा x कहते हैं इसको, स्ट्रिप्स को। तो ये जो डेल्टा x है ये थोड़ा सा चेंज है, मतलब ये गैप है, ठीक है, ये चौड़ाई है, ये डेल्टा x है और ये सीधी लाइन आपका फंक्शन है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें तो इस दोनों का एरिया आ जाएगा और प्लस शेडेड एरिया का, इसका भी एरिया निकाल लें तो जोड़कर पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है,
तो हम और क्या कर सकते हैं, तो मेक्स एन स्टेप्स, हम और भी एन यानी अब और भी ज्यादा, दो है तो दो के अलावा चार पांच आठ सोलह ऐसे बहुत सारे हम स्टेप्स बना सकते हैं जैसे यहाँ दिख रहा है आपको। तो टोटल एरिया जो होगा वो लगभग होगा आपका सिग्मा, सिग्मा फंक्शन एक्स आई इंटू में डेल्टा एक्स, यानी ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इन्हें डेल्टा एक्स है, और ये कितने हैं, ये एन स्टेप्स हैं यानी ये लगभग आई हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी तक है, और हम वन से लेकर एन तक का इन सबका सम जोड़ दें तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन हम इतने सारे स्टेप्स को जिसको हम गिन नहीं सकते इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कैसे इसको मान लें कि सही एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो नाउ इफ वी मेक विड्थ सो स्मॉल, लेकिन हम छोटे छोटे और छोटे छोटे चौड़ाई करते जाएं, डेल्टा एक्स को बहुत बहुत छोटा कर दें लगभग शून्य तक, तो टोटल एरिया वो होगा, तो वो निकलेगा लिमिट के कंसेप्ट से। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और सिग्मा आई इक्वल टू वन से एन तक एंड फंक्शन एक्स आई और इंटू में डेल्टा एक्स, तो इन सबको जोड़ने से आपका एरिया निकल जाएगा। लेकिन ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा है पर ये व्यवहार में लाना मुश्किल होता है, इससे किसी को समझाएं तो उसको कम समझ में आएगा, वो बोलेगा ऐसे कौन सा एरिया निकलता है भाई। तो लुक ग्राफ ऑन पेपर बट एक्सट्रीमली पेनफुल, ग्राफ को तो देखने में तो समझ आ रहा है लेकिन इसको ग्राफ पे बनाना बहुत ही पेनफुल है और इसका एरिया निकालना भी बहुत ही पेनफुल है यानी बहुत ही भयंकर है। तो बट लेकिन इन 17th सेंचुरी वी फाउंड ए ह्यूज शॉर्टकट, दैट शॉर्टकट बिकम कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल। तो लेकिन 17वीं शताब्दी में हमने शॉर्टकट पाया और वो जो शॉर्टकट है वही इंटीग्रल का कंसेप्ट बना। तो क्या वो शॉर्टकट था तो देखते हैं। तो ये आपका फंक्शन है, ये आपका एक्स है, आप ना इसमें थोड़ा सा डेल्टा एक्स को बढ़ा लें, तो ये जो शेडेड एरिया है ये एरिया है ए एक्स, अब इसके में भी थोड़ा सा एरिया डेल्टा ए ले लें। तो एरिया अंडर कर्व ए एक्स निकालने के लिए डेरिवेटिव ऑफ एरिया, डेरिवेटिव ऑफ एरिया आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, तो डी एफ ओवर डी एक्स, और लिमिट कर लें आप डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो डेल्टा ए को अगर आप डिवाइड कर दो डेल्टा एक्स से और डेल्टा एक्स को जीरो तक ले लें तो आप एरिया तक पहुंच सकते हो। तो एफ एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया निकलेगा एफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स यानी डेल्टा एक्स और डिवाइड में डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपका ये फंक्शन आ जाएगा। तो यानी एरिया ए एस एंड फंक्शन एफ एक्स आर रिलेटेड। तो फिर ऐसा पाया गया कि ये जो फंक्शन है और ये जो एरिया है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर ये पाया गया कि अगर हम इस एरिया का डेरिवेटिव निकालें तो इस एरिया का डेरिवेटिव का जो टोटल सम होगा वो बराबर होगा इस फंक्शन के। तो इफ वी हैव टू फाइंड एरिया अंडर कर्व एफ एक्स, अगर हम इस कर्व के नीचे का एरिया फाइंड कर लें, ऑल यू हैव टू डू, तो तुमने फिर पूरा क्या किया, तो फाइंड अनदर फंक्शन एफ एक्स हुज डेरिवेटिव इज एफ एक्स, यानी आपको इंटीग्रल में ये करना होता है कि आपको एक इस फंक्शन का जो आपको फंक्शन दिया रहता है इस फंक्शन का आपको एक वो डेरिवेटिव पता करना है कि ये मतलब ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, यानी ये जो है किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, तो ये बड़े एफ एक्स का था। अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये इस बड़े इसका जो मतलब ये जो डेरिवेटिव ये किसका डेरिवेटिव है ये पता करना है, तो ये किसका डेरिवेटिव है, तो बड़े एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो अगर आपने ये बड़ा एफ एक्स निकाल लिया तो यानी आपने इंटीग्रल निकाल लिया, ठीक है, तो यानी आपने इस पूरे शेडेड इस कर्व के नीचे के पूरे एरिया को निकाल लिया, यानी इस एरिया में और इस फंक्शन में ये संबंध है कि अगर हम ये फंक्शन पता लगा लें कि ये फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव था तो वही फंक्शन जो है आपका ये एरिया होगा, यानी ये अंडर द कर्व पूरा इंक्लोज एरिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इंटीग्रल की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा अंडर द एरिया निकालना था ये इंटीग्रल निकालने में हेल्प करता है। तो इंटीग्रल कैसे निकलेगा, तो जो भी आपको फंक्शन दिया होगा हम इस फंक्शन का प्री डेरिवेटिव पता करेंगे।
फाइंडिंग ए फंक्शन विच वैन डिफ्रेंशिएटेड याइल्ड्स अनदर फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये हुई कि आपको एक फंक्शन दिया होगा और वो फंक्शन आपको पता लगाना होगा कि वो फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव था। तो वो जो फंक्शन जिसका वो ये जो फंक्शन डेरिवेटिव है तो वही फंक्शन आपका इंटीग्रल बनेगा। ठीक है। सम नाइस एंड गुड पीपल हैव फाउंड रूल्स फॉर फाइंडिंग इट फॉर लॉट ऑफ फंक्शन। तो कुछ भले और अच्छे लोग हुए थे जैसे न्यूटन और लेबरनिटज, तो इन्होंने अब हमें बहुत सारे फंक्शन के फॉर्मूले पहले से ही रूल्स लिख के गए हैं, तो हमें उन फॉर्मूले को बस सीखना है और याद करना है और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो दीज आर रूल्स दैट यू लर्न इन कैलकुलस क्लासेस। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले ही आप कैलकुलस क्लासेस में सीखते हो जिसमें आप डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रल पढ़ते हो। तो एग्जाम्पल के लिए आपने ये इंटीग्रेशन का साइन देखा होगा, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन होता है और x की पावर ये n है, ये इंटीग्रल है और dx है कि किसके रिस्पेक्ट में मतलब इंटीग्रल या इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, तो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। c क्या है, कोई एक मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है, अचर संख्या होती है। ठीक है, यानी कोई रियल नंबर होता है। तो इंटीग्रल सिंबल इवोल्व सम, दिस साइन इज सम मींस समेशन। तो ये जो निशान होता है ये सम बताता है। ठीक है, यानी जोड़ बताता है इस फंक्शन का या अंडर द कर्व। तो अंडर द कर्व का टोटल एरिया निकालने का और पूरे छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट के पूरे एरिया को निकालने का ये सिंबल है। ठीक है, तो इस सिंबल से हम पूरे जो कर्व होते हैं उनका अंडर द कर्व, उस कर्व के अंडर का जो एरिया है वो हम निकाल पाते हैं। तो कुल मिलाकर जो इंटीग्रेशन होता है ये आपको एक फंक्शन का जो आपको फंक्शन दिया होता है उसका वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव था वो निकाल के देता है आपको। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका एफ डैस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, तो 2x जो है, अब ये आपका कोई फंक्शन दिया है तो इसी फंक्शन को अब इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में इस फंक्शन को एफ एक्स लिख दिया जाता है, तो ये आपको एफ एक्स लिख के दे देता है 2x। तो आपको क्या करना होता है, इसी का इंटीग्रेशन निकालना होता है। अब जब इसका इंटीग्रेशन निकालते हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, तो दो तो कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक्स की पावर एक बचेगा और एक्स की पावर एक में ये फॉर्मूला लगाएंगे एन प्लस वन, तो दो एक्स की पावर में फिर एक जुड़ जाएगा तो वन प्लस वन और डिवाइड में वन प्लस वन और प्लस सी, तो ये आपका जाएगा टू एक्स की पावर वन वन टू अपॉन में टू प्लस सी, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस c। तो आपने जो ये निकाला ये एक बड़ा एफ एक्स है, यानी ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये फंक्शन था। तो हमने इस फंक्शन से ये पता लगाया कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो यही आपका इंटीग्रेशन वाला फंक्शन निकल गया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव ये था और हम इससे वापस वो पता करते हैं कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, तो उसी को प्रोसेस को इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रल था और इस फंक्शन का हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का आप करते थे तो उस फंक्शन से अब आपको दोबारा इंटीग्रल करके वो फंक्शन आपको पता करना है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।